सफाई व्यवस्था को और बेहतर करने के उद्देश्य से एवं सॉलिड वेस्ट के निस्तारण के लिए विभिन्न कंपनियों के साथ एक बैठक मंडलायुक्त जयंत नारिकल की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, गीडा के सीईओ सत्य प्रकाश सिंह, नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, मुख्य नगर स्वास्थ्य मुकेश रस्तोगी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में महानगर में सफाई व्यवस्था को और बेहतर करने के उद्देश्य एवं सॉलिड वेस्ट के निस्तारण के लिए विभिन्न कंपनियों द्वारा प्रस्तुत कार्य योजना पर चर्चा की गई एवं कंपनियों के प्रतिनिधियों से योजना के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल की गई। मंडलायुक्त ने डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन से लेकर निस्तारण तक के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की। इस मौके पर मंडलायुक्त ने कहा कि सभी कंपनियां नगर निगम द्वारा आवेदन मांगे जाने पर अपना विस्तृत आवेदन दें और सॉलिड वेस्ट की परियोजना अभी कुछ वार्डों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आरंभ की जाए और इसके बाद पूरे जनपद में संचालित की जाए। मंडलायुक्त ने कहा कि शासन आदेश के अनुसार पॉलिथीन का प्रयोग पूर्णतया प्रतिबंधित है, अतः शासन आदेश का कड़ाई से अनुपालन करें। सडनली उसको आपने कहा कि 20 रुपए खरीद दिया, हिंदुस्तान है ये गरीब तबके का शहर, 1 से 5 में तो समझ जाता है, 5 बार में स्कूल जाते हैं बहुत अच्छे वो एक कॉस्ट है जो कि कभी अमूल का दूध दिखेगा तो योगी जी की बहुत अच्छा सेवा संस्था का दूध क्यों नहीं, हमको इस बात का जवाब कोई नहीं पाता। अगर अंकल क्यों दिखेगा अलग तो यहाँ का क्यों नहीं अलग इशू ना हो ये वाला उनकी आदतन इतना घुस चुका है कि जब तक हम इसको जड़ से खत्म नहीं करेंगे तो नहीं पहले प्लास्टिक जिंदगी जो क्या ब्रेक और कुछ नहीं आ रहा तो ये तो भाई जाना पास विकास हुआ पूछने बदली है तो सर सही बात है नहीं बिल्कुल है दिल्ली में तो स्थान है बिल्कुल है क्वालिटी आ रहा है जाएगा तो अपने आप सुधर जाएगा सर आप क्या बात कर रहे हैं कई सारा सारे सोशल रेवेन्यू करके सर हम लोग काम करते हैं 18% जीएसटी की पेमेंट करते हैं उसके बावजूद भी हम तो सफर करते हैं और जो नहीं दे रहा है चुपचाप थोड़ी से बना रहा है वो आराम से काम कर रहे हैं उनका भी नफा है हमारे इसके लिए ये अवगत कराना चाहूँगा सर कि कुल 15 कंपनियाँ 15 फॉर्म्स इम्पाइनेट की गई थी इसे गवर्नमेंट की तरफ से सभी को हमने ईमेल के माध्यम से रिक्वेस्ट किया कि आप आइए और गोरखपुर शहर को हम कैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में और अच्छा कर सकते हैं। 4 लोगों ने मुझे रिस्पॉन्ड किया इन चार एंड भागीरथ सेवा संस्थान और सिग्मा ग्लोबल। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट टूल 2016 ये कहता है कि जो भी सॉलिड वेस्ट हम डोमेस्टिक आइदर कमर्शियल प्रतिष्ठान से कलेक्ट करेंगे तो उसका 10-15% ही हमें लैंड साइट तक जाना है। रिसाइकल व्हाट एवर वेस्ट इज देयर ये सारे रिसाइकलेबल है तो उसके साथ प्रोसेस करने के साथ मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी में जो चीज़ें बाजार में बिक सकती हैं उसको चुनने के बाद 10-15% हमें लैंडफिल साइट पे जाना है। ये आपने फ्रॉम द वेरी बिगनिंग दैट इज डोर टू डोर कलेक्शन फ्रॉम डोमेस्टिक हाउसेज एज वेल एज कमर्शियल शॉप्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस। हम बीच की जो प्रोसेस है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी नज़र में उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं आप तो प्रेजेंटेशन में मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उस पर केंद्रित रखेंगे और फिर हम आखिर में लैंड सेल्स एक्ट पर पहुँच के क्या करेंगे जिससे कि डिस्कशन ज़्यादा हो सके। मे बी 5 मिनट में यदि देखिए कि कलेक्शन का क्या सिस्टम होगा, ट्रांसपोर्टेशन का क्या होगा, लैंड सेल का क्या होगा, यदि प्रैक्टिस कुछ हुई हो जो सक्सेसफुल हो क्योंकि इसमें रेट ऑफ फेल्योर ज़्यादा है